हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी को मेरा हरिओम पहला गुण मिस्यो। तो गाइस कल हम जाने वाले हैं मेरठ। अभी तो शाम के 7 बज रहे हैं भाई, और अभी मैं आया हूँ ऊपर, अपने ऊपर ही है ना अलमारी, तो ऊपर लेने आया हूँ मैं अपने कपड़े। और कल हम जा रहे हैं मेरठ क्योंकि परसों है मेरे दादाजी का श्राद्ध, तो बाबूजी का काम तो है वैसे, पर मेरे को भी पापा कह रहे थे तू भी सीखा कर। वैसे तो मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, पर मेरे को लगा जाना चाहिए, एग्ज़ाम भी 20 तारीख से शुरू है, तो मैंने सोचा चलो चलता हूँ। तो फिलहाल मैं करता हूँ पैकिंग शुरू, बोलता हूँ अपनी अलमीरा। कौन से कपड़े लूँ, इतने सारे कपड़े भरे पड़े हैं मेरे। अरे हाँ, ये स्कूल के कपड़े भी धोने डालने थे भाई। कितने सारे कपड़े हैं मेरे, 5 तो मेरे कुर्ते ही हैं, 2 कोट पैंट हैं, 1 कुर्ता पजामा, और नीचे मैंने स्कूल के और ये सारे भरे पड़े हैं, पता नहीं क्या क्या कपड़े हैं इनमें, मेरे को पता ही नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ पहले लूँ, मैं सोच रहा हूँ जीन्स और शर्ट रख लूँ। Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only 'cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Whoa. गाइस मैं तो ऊपर हूँ कपड़े लेने आ रखा हूँ, अभी अभी नीचे से माँ कह रही है कि निकुंज क्या बोलते हैं नीचे आ जाओ कपड़े लिया बाहर से। भाई बारिश होने लग गई बाहर, तो भाई कैसे आना पड़ रहा है, मतलब अभी ऐसे करके लाइट बंद करी थी। ओ भाई माँ तो भीगने भी चली गई, ये देखो बारिश शुरू होगी। जरा सा मैं अभी भीग लेता हूँ। भाई 2 मिनट गया, भीग भी गया, तो अभी मिलेंगे आपको सुबह जब हम निकलेंगे मेरठ को। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, उठ चुका हूँ मैं। आज हम जाने वाले हैं मेरठ, जैसे कि मैंने आपको कल बताया ही था। तो एग्जाम है ना भाई, तो मेरठ जाने से पहले हम दोनों थोड़ा पढ़ रहे हैं। ये नहीं जा रही, आप सभी ये जाऊंगी, कहीं नहीं जाएगी। तो गाइस आप भी पढ़ाई कर लीजिएगा, बहुत बोरिंग है। और बाहर मार बाबूजी बैठ के पी रहे हैं चाय। ये देखो माँ तो सुबह उठते ही बाबूजी से कहती है बस चाय बनवा दो बच्चों से। हरिओम गाइस, चाय ले लीजिए, चाय पी जा रही है यहाँ। तो गाइस एग्जाम है यार, मैं जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ी पढ़ लेता हूँ, कॉपी किताब तो लेके ही जाऊंगा, वहाँ पे भी पढ़ ही लूंगा। तो फिलहाल पढ़ने बैठता हूँ। गाइस रेडी हो चुके हैं मेरठ जाने के लिए, ऊपर से मैंने टी शर्ट डाली और ठंड भी हो रही है, बारिश का सब मौसम हो रहा है, तो मैंने अंदर से एक और टी शर्ट पहन ली। मेरी बहन यहाँ बाबूजी के कपड़े प्रेस कर रही है, जल जाता अभी, और इस पर ध्यान लगा जल जाएगा। और माँ का देखो, माँ कह रही है जाते जाते मेरे लिए एक चाय बना ले। देखो क्या कह रही हो माँ, बेटा चाय बना दे, चाय बना दे। तो गाइस माँ के लिए चाय तो बना दिया है, किचन में घुसते ही इतनी गर्मी सी लग गई। और अभी हम गाड़ी अपनी बाइक में सामान फिट करते हैं, उसके बाद निकलते हैं मेरठ को। तो अभी मैं बना रहा हूँ माँ के लिए चाय। आपकी चाय माँ। थैंक यू बेटा। हो रही है तैयारी, पापा जी क्या कर रहे हो? मैं तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, पहाड़ खोद रहे हैं। हाँ पहाड़ खोद रहे हो। भाई जी आप क्या कर रहे हो उधर? व्हाट इज दिस? पकड़। तो गाइस अब आ चुके हैं हम, निकल पड़े हैं अपने घर से, बाय। बाबूजी तो हेलमेट पहन के आए, वो कहते हेलमेट में पता नहीं अजीब सा क्या होता है, हवा कार्बन डाइऑक्साइड से आती है, गर्मी बहुत लगती है, इसलिए मैं पहनते ही नहीं कभी। तो फिर अभी चल पड़ते हैं हरिओम आंटी जी, और फिर बाद में अगर बीच में बारिश वारिश हुई तो कहीं रुक के कुछ खाएंगे। वैसे मम्मी ने तो मना किया था, सीधे वहीं जाके खाना। Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. जय भोलेनाथ। Pictures. तो गाइस मेरठ जा रहे हैं 65 किलोमीटर, तो सोचा पहले फ्यूल डलवा लेते हैं बाइक में। We've got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. Then you see me now, see me now, see now.
perfection, what is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame. It's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be someone who says there's more than meets the eye. Show off your fantasy reality. Whoa. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside then. स्नैक्स लेने और चाय पीने, भूख लग गई थी इस शॉप पे, थोड़ा सामान ले लेता हूँ मैं अभी। गाइस मैंने कुछ सामान लिया है, एक रोटी और एक चिप्स। बाबूजी का यहाँ चाय पीने के लिए बैठ रखे हैं। और ये देखो मौसम कितना मस्त हो रहा है, तो फिलहाल बैठ के चाय पीते हैं और ये फ्रूटी रूटी पीता हूँ मैं। तो गाइस आ चुके हैं हम टोल प्लाजा पे और इतनी तगड़ी बारिश हो रही है, हमारा भीग में पूरा दौरा लगे, दौरा में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है भाई। हमारे लिए तो शॉर्टकट रास्ता है साइड से, टोल फ्री रास्ता बाइकों के लिए, तो हम यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस बारिश है भाई, हम तो भीग गए पूरा, बाबूजी और मैं, बाबूजी के सारे पैसे भी भीग गए। मैं आपको दिखा नहीं पाया, ये मोबाइल बंद पड़ गया था, अभी मोबाइल भी बैग के अंदर रखना पड़ रहा है। बाय गाइस, पहुंच गए दादी के घर और बाबू जी यहाँ पर बाइक पार्क कर रहे हैं। और क्या, पहले कपड़े बदल लेता हूँ उसके बाद मिलवाऊंगा आपको सबसे। तो गैस कपड़े बदल लिए हैं, मैं तो ऊपर का लाना भूल गया था, वो भी बैग के अंदर गीला हो गया, मैंने अपनी बुआ का पहन रखा है। ये बाबू जी यहाँ पे चाय पी रहे हैं, ये यहाँ भरत चाचा टीवी देख रहे हैं और वहाँ पर दादी जी छिल रही हैं सब्जी नहीं है, काट रही हैं, ये काट रही हैं भिंडी, आज भिंडी की सब्जी बनेगी। तो गरम गरम चाय भी आ चुकी है, तो पहले चाय पी लेता हूँ। मानसी चाची बिस्किट भी ले आई, बिस्किट और नमकीन भी। तो गाइस कर लिया है मैंने अपना चाय नाश्ता, चाय भी पी ली तुलसी वाली, अभी मैं पढ़ने बैठता हूँ भाई क्योंकि एग्ज़ाम है मेरे। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस उठ चुका हूँ मैं, शाम हो रही है और देखो भाई अभी मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया, ठंड लगी तो मैंने ऊपर का अपर पहन लिया है, इतनी ज़्यादा सुबह से बारिश हो जा रही है भाई, अभी भी बारिश हो जा रही है। तो फिलहाल मैं दूध लेने गया था, दूध तो मिला नहीं, तो पापा ने कहा अपने लिए थोड़ी चीज़ें ले ले। तो देखो मैंने थोड़ी बूमर रैंग ली है और मेरठ में नेगी बेकर्स बहुत फेमस हैं, हमारी गली में ही हैं, तो फिर बेकरी है वो बहुत बड़ी, तो मैंने वहाँ से थोड़ी से बन भी ले लिए, बन भी खा लिए मैंने। और आज की ब्लॉग में बस इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल का ब्लॉग बहुत ज़रूर देखना भाई, कल तो पहले तो मैं नेगी बेकर से पेटीज लेकर आऊँगा भाई, मज़ा आ जाएंगे। और आज शाम को मेरे चाचा भी आने वाले हैं, कल्लू चाचा, वो गाजियाबाद से, तो कल की ब्लॉग ज़रूर देखना, मेरे दादाजी का श्राद्ध है। बाय। Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. All the